के दौर में महंगाई के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब। अब ताजा और सस्ता गोश्त हर गरीब की पहुंच में सिर्फ 350 रुपए किलो में। महंगाई के हवाले से महंगाई इतनी है हमारे इधर 900 650 700 किलो गोश्त है, 350 रुपए किलो है। रोड इंश्योरेंस के प्यारे दोस्त को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज महंगाई के दौर ने कमर तोड़े रखी है। चिकन जहाँ 750 रुपए किलो है, इस दौर में बीफ खरीदना तो नामुमकिन था, लेकिन मैंने लेकर एक टोर और कराची वालों के लिए लेकर आया हूँ सरप्राइज, कराची के सारे इलाकों के लिए एक सरप्राइज। यूट्यूब की तरफ से पहली दफा इतना सस्ता बीफ मेरे ख्याल से नामुमकिन। जी हाँ, सस्ता बीफ वो भी 350 रुपए में। मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन सेक्टर 12 नंबर, मेरे अकब में मौजूद है ये गोश्त चौक। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पर गोश्त मिराज भाई की दुकान और बहुत सारी अंग्रेजी दुकानें हैं, जहाँ पर बीफ सिर्फ 350 रुपए में, सिर्फ 350 रुपए में यहाँ पर मौजूद है। मेरे सामने व्यूअर आप देख सकते हैं कितना रश है, लोगों का जनून है यहाँ पर भाई। लोग यहाँ पर इतने दूर दूर से मौजूद है और मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर, मुझे नहीं लगता मिराज भाई पैसे कमा रहे हैं, नेकी कमा रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी रोजी में, रोजगार में बरकतें अता फरमाए। आगे हम चलेंगे और देखेंगे क्या है और अपने व्यूअर्स को बताएंगे और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, पहले भी आते रहे यहाँ पर? जी पहले भी आते रहे। मैं नहीं आने की गोश्त से बिल्कुल मुतमईन है भाई। कितना टाइम लगा यहाँ पर गोश्त लेने में? यहाँ पर तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगा। 1 घंटे में? 1.5 घंटा। कितना मन गोश्त लेने आए थे? यहाँ 1 किलो लेने आया था। 1 किलो गोश्त के लिए 1.5 घंटे? 1 घंटा खड़ा रहा। मौजूद है जिन्होंने जंग पता कर ली है यहाँ से गोश्त लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है और कहाँ से आए हो? मैं न्यू कराची से आया हूँ। न्यू कराची से? क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। कितना टाइम लग गया? अभी 1 घंटा लग गया मेरे को। 1 घंटा लग गया। कितना गोश्त लेने आ गए थे? 3 किलो। 3 किलो लेने के लिए 1 घंटा लग गया इतने दूर से। भाई क्यों आए हो, मतलब क्या सोच के आए थे यहाँ पर? बस तो महंगाई के हवाले से, इतना महंगाई इतनी है हमारे इधर, 900 650 700 किलो गोश्त है, यहाँ 350 रुपए किलो है। मतलब यहाँ पर मुतमईन हो? इंशाल्लाह मुतमईन हो। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है और बड़े जोश में यहाँ पर, अजी भाई। इस महंगाई के दौर में महंगाई के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब। अब ताजा और सस्ता गोश्त हर गरीब की पहुंच में सिर्फ 350 रुपए किलो में। क्या बात इस बात। तो जनाब हम आ गए दूसरी दुकान पर, बिल्कुल उसके सामने और भी गोश्त मार्केटों में बहुत सारी दुकानें हैं। मैं एक और दुकान लेके चलूंगा और वहां से आपको पता करूंगा कि वहां पे क्या प्राइसेस चल रहे हैं। तो आए मेरे साथ। जी तो मौजूद है परवेज भाई की 20 रुपए। परवेज भाई वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे है? सबसे सही है, अल्लाह का शुक्र है। भाई गोश्त बेच रहे हो, नेकी कमा रहे हो? यार बस नेकी कमा रहे हैं अल्लाह के। 4 रुपए किलो भाई, हड्डी वाला 350, बगैर हड्डी वाला 600। क्या बात है परवेज भाई, गाय काट रहे हो कुछ और काट रहे हो? तो हमारे पास गाय कटती है सबूत के साथ, मेट्रो भी लाजे। अच्छा इंशाल्लाह वहाँ पर आपको। अच्छा ये हफ्ते के साथ ही दुकान खुलती है? जी जी बिल्कुल, मंगल के दिन छुट्टी होती है। अच्छा टाइमिंग क्या है शॉप की? सुबह 9 से रात की कोई टाइमिंग नहीं। रात की कोई टाइमिंग, जब भी चाहे जब चले आए चाहे आ जाए। परवेज भाई ने दरवाजे साफ कर दे दी है बहुत। आप ये देख रहे हैं परवेज भाई के पास हाथ नहीं रुक रहा, लोग नहीं खत्म हो रहे। आप ये देखिए कैसा तेल मिल रहा है। तो जनाब ये मेरे पास गोश्त मौजूद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, ये आप देख रहे हैं भाई, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं, पानी वाला गोश्त नहीं, बेहतरीन ताजा कटा हुआ, कोई इसमें मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि बासी गोश्त है, बेहतरीन ताजा गोश्त है, बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन जबरदस्त। गिराहत ये थी आज की हमारी वीडियो, मुझे बड़ा मजा आया। आज मौजूद था औरंगी टाउन गोश्त चौक पे, बेहतरीन दाम, इतने लोगों का रश, हुजूम जबरदस्ती से,
यहाँ पर आए, मुझे पता है कि आपको यहाँ पर जो कैसा लगा, तेल से कदू पैदा उठाए, कदम न जाने का रेट नहीं देगा। इस दुआ के साथ भी देखी होगी मुलाकात। मेरे चैनल पे जाने से पहले आपने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। खुदा हाफिज़।